नमस्ते स्टूडेंट्स थर्मोकेमिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट एंथेलपीज अब हमारे सामने हैं एक है एंथेलपी ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस का फिनोमना क्या होता है आपको याद होगा जब आप लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो और किसी मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा पॉसिबल लुइस स्ट्रक्चर बनते हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स का फ़र्क होता है तो हम कहते हैं उस स्ट्रक्चर को उन सभी स्ट्रक्चर्स के एक कॉम्बिनेशन यानी रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखाया जाता है और बॉन्ड ऑर्डर इसमें यूनिफॉर्म हो जाता है तो रेजोनेंस एक इमेजिनेशन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई इमेजिनरी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है इमेजनरी स्ट्रक्चर इज द लो डॉट स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड इसमें सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है बेंजीन का अब बेंजीन का ये सिग्मा पाए सिग्मा वाला स्ट्रक्चर देखिए ये बेंजीन अक्सर हम बनाते हैं बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल बेंजीन दिस इज द एक्चुअल बेंजीन तो ये हुआ हाइब्रिड सो दिस इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है तो इस प्रोसेस में अगर कोई एंथेल्पी एसोसिएट की जाए तो उसे नाम दिया जाएगा एंथेल्पी ऑफ रेजोनेंस अब सवाल उठेगा इस एंथेरेपी को फाइंड कैसे करें जब ये रिएक्शन होते ही नहीं सो देर इज अ लॉजिक बेंजीन से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला जाए तो वो इस बेंजीन का होगा मतलब जैसे बेंजीन को अगर हम कंबेशन करें बेंजीन को अगर हम हाइड्रोजनेशन करें तो वो इस बेंजीन का होगा यानी हमें इस वाले स्ट्रक्चर के डेटा को किसी दूसरे मेथड से सोचना पड़ेगा और तब जाके हमें कंपैरिजन के द्वारा एंथेलपी ऑफ रेजोनेंस फाइंड कर सकते हैं दूसरी बात ध्यान देने की ये है रेजोनेंस फिनमिना इज़ अ स्टेबलाइजिंग फिनमोना यानी रेजोनेंस फिनमुना क्यों हुआ ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी इमेजनरी स्ट्रक्चर से कम होनी चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है दैट मीन्स रेजोनेंस एनर्जी विल बी ए रिलीज एनर्जी यानी हीट यहाँ पर रिलीज होगी रेजोनेंस एनथेरपी एक्सोथर्मिक होनी चाहिए दिस वी आर लॉजिकली थिंकिंग अब इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए हम एंथेरपी ऑफ रेजोनेंस फाइंड करेंगे बेंजीन की फ्रॉम द डेटा ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन निकेल पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में गया. So, कराया गया तो एक्चुअल बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराया तो आप जानते हैं बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड्स को पूरी तरह से वैनिश करने के लिए उसमें जितनी भी अन थी उसे हटाने के लिए तीन हाइड्रोजन चाहिए फॉर वन बेंजीन सो इससे हमें मिला साइक्लोहेक्सेन और दिस इज द डेटा हंड्रेड किलो कैलोरी हैज़ बिन रिलीज वन एक्चुअल बेंजीन वॉज हाइड्रोजनेटेड अब हमने क्या किया साइक्लोहेक्सेन से शुरुआत की और एक हाइड्रोजन द्वारा उसको साइक्लोहेक्सेन बनाया और उसके डेटा को देखा फोर्टी किलो कैलोरी और यहाँ हमने अपना लॉजिक सोचा कि अगर साइक्लोहेग्जीन में दो बॉन्ड होते तो साइक्लोहेग्जा डाई होता तो वो श्योरली दो हाइड्रोजन को कंज्यूम करता और उसमें एनर्जी रिलीज होती 80. इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे आप कहेंगे इसमें अगर साइक्लोहेग्जा ट्राई होता तो ये तीन हाइड्रोजन कंज्यूम करता और ये 120 एनर्जी रिलीज करता यानी हमने लॉजिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया जिसमें बेंजीन का इमेजिनेशन दिख रहा है अब आप इन दोनों रिएक्शन को सब्रैक्ट कर सकते हो सो यू वॉन्ट दिस स्ट्रक्चर टू बी ऑन द राइट हैंड साइड सो इफ यू इट, यू विल गेट दिस रिएक्शन इमेजिनरी बेंजीन इज कन्वर्टिंग इन एक्चुअल बेंजीन। सो दिस बी दिस विल बी एन इमेजिनरी रिएक्शन कॉल हाइब्रिडाइजेशन I say, और आई शुड से रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होगी 120 में से 100 को घटा दीजिए यू विल गेट 20 किलो कैलरी सो वी कैन से सेल्पी ऑफ रेजोनेंस ऑफ बेंजीन बज 20 किलो कैलरी इस तरह के डेटा से हम किसी भी मॉलिक्यूल का डीलोकलाइजेशन का एनर्जी पता लगा सकते हैं सो दिस वॉज द वेरी वेरी क्लासिक एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है नॉलेज कम टू अनदर इंपोर्टेंट एन्थैल्पी दैट इज द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन इसको शॉर्ट और स्वीट बात में समझिए एसिड देता है H+ और बेस देता है OH- तो जब एक मोल H+ जिसे वन ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड कहते हैं एक मोल OH- से रिएक्ट करे जिसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस कहेंगे स्ट्रांग बेस तो H+ आया एसिड से ओ एच माइनस आया बेस से दोनों के एक एक मोल आयंस लिए जिन्हें हमने वन ग्राम इक्वलेंट एसिड और वन ग्राम इक्वलेंट बेस कहा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब वन मोल वाटर बना यानी 18 ग्राम वाटर तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज कॉल्ड इन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो स्टूडेंट शुड रिमेंबर दिस डेटा नहीं तो ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता ही है अब देखिए एच को एन को रिएक्ट कराया और नमक पानी बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड की खास बात ये होती है स्टूडेंट्स कि यू कैन स्प्लिट इट विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी आप इसमें बिना एनर्जी खर्च किए इसको आयंस में बदल सकते हो सिमिलरली बेस को भी आप बिना एनर्जी खर्च किए आयंस में बदल सकते हो और नमक तो आयंस में होता ही है यानी इफ़ यू स्ट्राइक दिस टू आउट विद दिस यू विल गेट दिस रिएक्शन यानी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे वो एच हो एच टू एस ओ फोर हो एच एन ओ थ्री हो या एच सी एल ओ फोर हो कि रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से कराई जाए चाहे वो एन एच हो वो के ओ एच हो वो सी एच हो सो यू विल गेट दिस एंथेलपी ऑलवेज दिस इज कॉल्ड एंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेकिन अगर एसिड और बेस में से कोई भी पार्ट वीक हो गया यानी वो अपने आयंस में पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता देन यू विल रिक्वायर सम एक्स्ट्रा प्रोसेस टू गेट दैट मतलब वीक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट नहीं होते दे अचीव सम इक्विलिब्रियम और उसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए जब तक हीट ना दें तब तक वो अपने सारे आयंस में तब्दील नहीं होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वन बनाने के लिए जितनी एंथेल्पी उसके वन मोल को दी जाए जो शुरू में अनडिसोसिएटेड माना जा रहा है दैट इज कॉल्ड एंथेलपी ऑफ आयनाइजेशन तो आप वीक एसिड को लें और उसे ब्रेक कर दें तो इतनी एनर्जी उसमें एंडोथर्मिक खर्च हो गई एन ओ एच को आप आयस में हमेशा लिख सकते हो विदाउट एनी एक्सपेंडिचर अब आप देख सकते हैं इनको अगर हम स्ट्राइक आउट कर दें तो यू विल गेट दिस अगेन रिएक्शन सो इस रिएक्शन की एंथेलपी तो फिफ्टी सेवन पॉइंट वन है लेकिन ये चीज इसमें एक्स्ट्रा थी सो ओवरऑल एंथेलपी इज माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट वन प्लस दिस यानी अब इसका नेगेटिव साइन का वैल्यू थोड़ा घट गया यानी एनर्जी विल नाउ बी रिलीज बट लेस इन मैग्नीट्यूड और इसी तरह से अगर बेस और एसिड दोनों वीक हों तो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जीज एक्स और वाई अगर हों तो ये दोनों ऐड होके हमारे डेटा को चेंज करेंगी यानी एसिड वीक हो जाए या बेस वीक हो जाए या दोनों ही वीक हो जाए वी विल गेट लेस एनर्जी इन कंपेरिजन टू माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट वन किलो जूल पर मोल So this is the important enthalpy discussion in thermochemistry.